Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM and here I am back with another video. So, आज का video है about the concept of internal control and internal audit. तो ये काफी vast concept है लेकिन इसके ऊपर questions पूछने के chances examiner की तरफ से बढ़ जाते हैं. Because ये जो concept है ये auditing techniques के अंदर का जो एक concept है उसके ऊपर हर साल question पूछे गए हैं. बट ये काफ़ी अपने आप में एक वास्ट कॉन्सेप्ट है. जैसे व्हाट इज़ इंटरनल कंट्रोल, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, फिर ऑडिटर कैसे रिव्यू करता है इंटरनल कंट्रोल, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा. तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट जो ये दो कॉन्सेप्ट है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है. इस चैप्टर में ऑडिट सैम्पलिंग करके एक पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, तो वो भी आप पढ़ के रखें सो दैट आपको अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आपको इजीली वो क्वेश्चंस आंसर करने में कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल कंट्रोल के बारे में बात करते हैं. इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है, देखो नाम है इंटरनल एज वेल एज कंट्रोल. इसका मतलब होता है कि इट रेफर्स टू ऑल द पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स दैट आर अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट. तो ऐसी सारी पॉलिसीज, सारे प्रोसीजर्स, सारे एक्टिविटीज जो मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है. बट किस लिए फॉलो कर रहा है, स्मूथ एंड एफिशिएंट ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ कंडक्टली होते रहे, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम्स फेस ना हो, ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट एक्टिविटीज होते रहे. तो वो एक तरीका है मैनेजमेंट की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से लिया हुआ एक स्टेप है इंटरनल कंट्रोल का, जिसके वजह से हम हमारे जो रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके और जिसके वजह से हम एरर्स और फ्रॉड्स को भी प्रिवेंट कर सके. हम लोग अपने बेसिस पे मैक्सिमम स्टेप्स ले सकते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ द एरर्स एंड फ्रॉड्स. बिकॉज अगर इंटरनल कंट्रोल ऐसा कुछ नहीं रहा तो सभी लोगों को ऐसे लगेगा कि हमारे बेसिस पे जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए कोई भी पर्सन नहीं है एंड देयर विल बी लॉट ऑफ एरर्स ऑल्सो एज वेल एज लॉट ऑफ फ्रॉड्स ऑल्सो इन द ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज वाई इंटरनल कंट्रोल प्लेज अ वेरी वाइटल रोल फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजिंग एज कंसर्न. तो इसीलिए इंटरनल कंट्रोल क्या है, इंटरनल कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन के सारे पॉलिसीज है, सारे प्रोसीजर्स है, सारे एक्टिविटीज है जो मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया है, किस लिए अडॉप्ट किया है, ऑर्गेनाइजेशन का स्मूथ फ्लो हो सके, ऑर्गेनाइजेशन के सारे एक्टिविटीज प्रॉपरली मैनेज हो सके, ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिसोर्सेस का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके एंड ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हम पॉइंट्स फॉलो कर रहे हैं उसके वजह से एरर्स और फ्रॉड्स ना हो, इसके वजह से इंटरनल कंट्रोल एक बेसिक स्टेप बन जाता है जो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट लेता है. नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे इंटरनल ऑडिट के बारे में. तो इंटरनल ऑडिट एक कंपोनेंट है इंटरनल कंट्रोल का. तो इंटरनल कंट्रोल अगर हम बात करें तो इंटरनल कंट्रोल अभी हमने डिस्कस किया कि इंटरनल कंट्रोल को अगर हम एक इक्वेशन फॉर्मेट में देखें तो इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल ऑडिट भी आता है एज वेल एज इंटरनल चेक भी आता है एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल ऑल्सो कम्स इन दैट. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरनल ऑडिट एज कंसर्न. देखो इंटरनल ऑडिट एक ऐसा पार्ट है जो कंटिन्यूअस रिव्यू एक्टिविटी हम उसको बोल सकते हैं. सो इट्स अ कंटिन्यूअस रिव्यू एक्टिविटी ऑफ व्हाट, कंटिन्यूअस रिव्यू एक्टिविटी ऑफ इंटरनल सिस्टम्स, ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑल द इंटरनल कंट्रोल एक्टिविटीज विच इज बीन अडॉप्टेड, तो उस बेस पे एक कंटिन्यूअस रिव्यू होना चाहिए, कंटिन्यूअस चेकिंग होना चाहिए इंटरनल सिस्टम्स का, ऑपरेशंस का एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जनरली कंडक्टेड बाय अ सेपरेट टीम ऑफ पीपल. इसके लिए सेपरेट टीम ऑफ पीपल हम रखेंगे, उनका वर्क एक्चुअली उतना ही होगा कि दे विल इवैल्यूएट, दे विल हैव अ कंटिन्यूअस रिव्यू ऑफ द इंटरनल सिस्टम्स एंड अकॉर्डिंगली दे मे प्रोवाइड सजेशंस वेदर द इंटरनल कंट्रोल अडॉप्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन इज फेवरेबल और इट इज अनफेवरेबल. सो दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द इंटरनल ऑडिट एज कंसर्न. तो इंटरनल ऑडिट क्या है, एक कंटिन्यूअस क्रिटिकल रिव्यू है जिसमें हम हमारे जो फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसको हम इवैल्यूएट करेंगे हमारे स्टाफ के बेसिस पे और जो हमारे वर्कर्स है, जो हमारे सैलरीड एम्प्लॉयज़ है, उन लोगों का एक्चुअल वर्क भी इवैल्यूएट किया जाएगा. तो दैट इज़ नथिंग बट इंटरनल ऑडिट. तो इंटरनल ऑडिट मतलब हम हमारे ही लोगों से हमारे ही एक्टिविटीज़ को
इवैल्यूएट करेंगे. तो देर विल बी अ सेपरेट टीम ऑफ मेंबर्स हु विल बी इवैल्यूएटिंग द इंटरनल ऑडिट एज कंसर्न, इवैल्यूएटिंग द इंटरनल चेकिंग और इवैल्यूएशन ऑफ द एम्प्लॉयज एज कंसर्न. तो अभी हम इसके कुछ फीचर्स देखते हैं. फीचर्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, देर आर मेनी फीचर्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. फर्स्ट फीचर इज इंटरनल ऑडिट इज नॉर्मली कंडक्टेड बाय द एम्प्लॉयज. तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हम इंटरनल ऑडिटर कोई बाहर से अपॉइंट करें. हम इंटरनल ऑडिटर जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज है उनमें से भी एक टीम बना के इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं. तो इंटरनल ऑडिट इज नॉर्मली कंडक्टेड बाय द एम्प्लॉयज. इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, इंटरनल कंट्रोल का ही पार्ट है, कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है इंटरनल कंट्रोल के. वन इज इंटरनल चेक एंड अनदर इज कॉल्ड एज इंटरनल ऑडिट. तो इट इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल. नेक्स्ट इज रिव्यू डन थ्रू वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन. नॉर्मली यहाँ पे जो ऑडिटिंग टेक्निक्स यूज होते हैं उसमें दो तरीके आते हैं. वन इज कॉल्ड एज वाउचिंग. वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन पे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. तो वाउचिंग और वेरिफिकेशन का एक बेसिक मीनिंग अगर देखा जाए तो वाउचिंग रेफर्स टू चेकिंग ऑफ द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स एंड वेरिफिकेशन रेफर्स टू वेरीफाइंग द असेट्स एंड लाइबिलिटीज. सो दैट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू योर फीचर्स एज कंसर्न. इट इज़ अ काइंड ऑफ कंटिन्यूअस और कॉन्करंट ऑडिट. ये जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे चलता है, एज वेल एज कॉन्करंट ऑडिट भी इसको बोला जाता है. कंटिन्यूअस बेसिस पे इसीलिए कि इंटरनल ऑडिट हमको रूटीन बेस पे करना पड़ेगा, सो दैट हम हमारे इंटरनल कंट्रोल के एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर सके. हम ये देख पाए कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ है कि नहीं. हम ये देख पाए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के जो एक्टिविटीज़ है उसमें कोई भी एरर्स नहीं है, कोई भी फ्रॉड नहीं है. इसी के बेसिस पे इंटरनल ऑडिट जो है वो कंटिन्यूस बेस पे चलेगा. और इसका स्कोप जो है वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा. मैनेजमेंट इसका स्कोप डिसाइड करने वाला है. मैनेजमेंट ये भी डिसाइड कर सकता है कि इसका स्कोप सिर्फ अकाउंट्स के रिलेटेड है, फंक्शन से रिलेटेड है, अकाउंट्स फंक्शन से रिलेटेड है, या ऑपरेशन से रिलेटेड भी हम इंटरनल ऑडिट को कर पाएंगे. तो द होल स्कोप इज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ओनली. मैनेजमेंट थिंक्स दैट इंटरनल ऑडिट शुड बी डन ओनली फॉर द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो दे कैन गो फॉर अकाउंट्स. द मैनेजमेंट थिंक्स दैट इंटरनल ऑडिट सभी का होना चाहिए, तो दैट विल ऑल्सो बी एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. तो ये डिपेंड करता है प्योरली मैनेजमेंट के ऊपर कि उनको किस बेस पे इंटरनल ऑडिट करवाना है. लास्ट पॉइंट इज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ऑल्सो अपॉइंट चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर इंटरनल ऑडिट. तो जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, छोटे ऑर्गेनाइजेशन अगर होंगे तो इंटरनल ऑडिट उन लोग अपने एम्प्लॉयज से करवा सकते हैं. बड़े ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी अपने एम्प्लॉयज से भी ये ऑडिट करवा सकते हैं, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो फर्म है उनको भी अपॉइंट कर सकते हैं फॉर इंटरनल ऑडिट. बिकॉज अगर कोई हमारे ही एम्प्लॉयज इंटरनल ऑडिट करेंगे, हमारे ही एम्प्लॉयज को हमने एक टीम बना के इंटरनल ऑडिट करने दिया, तो देयर कैन बी प्रॉब्लम. लोगों को डर नहीं रहेगा कि अरे ये तो हमारे फ्रेंड्स ही है, ये तो हमारे ही एम्प्लॉयज है जो हमको इवैल्यूएट करने वाले. अगर कोई बाहर का बंदा आएगा वो आके चेक करेगा तो उस बेस पे एक डर रहेगा, और उस बेस पे एक्चुअल जो काम रहेगा, एक्चुअल जो वर्क रहेगा वो एरर फ्री रहेगा, एज वेल एज उसमें कोई भी फ्रॉड ना हो ऐसे अकाउंटेंट्स भी ट्राई करेगा. तो बेसिकली यही सारे पॉइंट्स थे रिगार्डिंग दी इंटरनल ऑडिट फीचर्स एज कंसर्न. बिकॉज आपको क्वेश्चन इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट के ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स आने वाला है पेपर में, बट वो किस बेस पे होगा कि इसमें बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं. अगर आपको इसका बेसिक मीनिंग समझ में आ गया तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर सकते हैं. इसलिए मैंने सिर्फ इस वीडियो में बेसिक मीनिंग ही ट्राई किया है, वरना अगर हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी बन जाता है और वो काफ़ी बोरिंग हो जाता है. दैट इज़ वाई विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एज कंसर्न. दैट्स इट. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ. टिल देन, एज ऑलवेज, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर.